नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मेनोपॉज डाइट क्या आहार लें के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। मेनोपॉज, जिसे हिंदी में रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां महिलाओं में आवश्यक हार्मोन में बदलाव होते हैं। मेनोपॉज के अवस्था में आ चुकी महिलाओं को कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक दिक्कतों को झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को थकान, सिरदर्द होना, रात को पसीना आना, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनियमित अत्यधिक रक्तस्राव, अनिद्रा, खराब PMS और माइग्रेन आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए। मेनोपॉज डाइट क्या आहार लें। एक, कैल्शियम आधारित खुराक लें। हड्डियों को सेहतमंद रखने में सहायक और रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कैल्शियम स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान हर किसी के लिए एक आवश्यक है। वैसे शारीरिक बदलाव के चलते इसकी ज्यादा कमी महिलाओं में देखने को मिलती है। जो महिलाएं मासिक धर्म या मेनोपॉज की समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें अपने खुराक में कैल्शियम को शामिल करना चाहिए। दो, फाइबर की कमी न होने दें। फाइबर न केवल हमार पाचन शक्ति दुरुस्त रखता है बल्कि पेट दर्द की समस्याओं से भी निजात दिलाता है। मेनोपॉज के समय पेट में बहुत दर्द रहता है और कब्ज की शिकायत भी है, तो अपनी खुराक में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। आप फाइबर वाले आहार का सेवन कीजिए। तीन, डाइट और उसकी समय का पूरा ध्यान दें। मेनोपॉज में महिलाओं को अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छी डाइट लेने के साथ दर्द होने पर खाना खाना बंद मत कीजिए। कई बार वजन बढ़ने की समस्या आती है, ऐसे में महिलाएं खाना नहीं खाती है। ऐसा कभी न करें बल्कि उचित समय में डाइट लेने का प्रयास करें। चार, हरी पत्तेदार सब्जियां। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को अपनी डाइट का पूरा ध्यान देना चाहिए। अपनी डाइट में दूध, दही, फल और हरी सब्जियां शामिल करें तथा अपने संतुलित आहार लें। पांच, व्यायाम करें और ध्यान लगाएं। मेनोपॉज के दौरान योग और व्यायाम और ध्यान से चिड़चिड़ापन जैसी समस्या से राहत पाया जा सकता है। आप ध्यान लगाएं और सांस संबंधित एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले कैफीन यानी चाय या कॉफी का सेवन न करें और खुद को समय दें। छह, पानी की कमी न हो। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम हनी कहना चाहेंगे, किसी भी उम्र की महिलाओं को पानी पर्याप्त मात्रा में पीनी चाहिए। इससे न केवल पेट स्वस्थ रहता है बल्कि कब्ज और अपचन जैसी समस्या से निजात भी मिलता है। इसके अलावा महिलाओं को शराब और धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।